विदेश दौरे के बीच बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी के भाषण ने मचाया गदर। वीडियो देख पूरा देश हुआ हैरान। जी हां, आपको पता चले कि जहां आज पूरा देश भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मना रहा है, जगह जगह पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं कांग्रेसियों के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है। इन सब के बीच राहुल गांधी सभी को चकमा देकर यूरोप के 7 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां पर महिलाओं के द्वारा एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का माथे पर तिलक लगाकर भव्य स्वागत भी किया गया। इन सब के बीच राहुल गांधी का एक धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश में भी राहुल गांधी अपने भाषण को जारी रखते। जी हां, आपको पता चले कि ये वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है। जब अचानक से तमिलनाडु में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। वहीं राहुल गांधी के सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी भी उनको छाता नहीं देते। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का ये भाषण इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। बता दें कि आए दिन कोई ना कोई वीडियो और फोटो राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर इसी तरह से वायरल हो जाता है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का ये पूरा भाषण सुनाते हैं। केवल प्रीति मतो सहने यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी बिना परवाह किए हुए तेज बारिश में लोगों के सामने भींगते हुए भाषण देते हुए नजर आ रहे। वहीं राहुल गांधी की दीवानगी ऐसी थी कि लोग भी राहुल गांधी को भारी बारिश में भींगते हुए उनका भाषण सुनते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि आज देश भर में भारत जोड़ो यात्रा का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। जगह जगह पर कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे। इन सब के बीच राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर भी पहुंच चुके, जहां पर राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। फिलहाल राहुल गांधी के वायरल हो रहे भाषण को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।